देशभर में कोरोना संक्रमण के चलते सैलून इंडस्ट्री की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। जहां पर लॉकडाउन को 50 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो वहीं अभी तक मिडस्ट्रीम व्यापारियों को सरकार की ओर से कोई भी राहत नहीं दी गई, जिससे कि इन व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और अब इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि अजमेर के सैलून मालिक हरिश्चंद्र का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार ठप हो चुका है और धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर देखा जाए तो अजमेर के अंदर कम से कम 11,000 सैलून है, शोर का संस्थान है। उसमें छोटी दुकान हो, चाहे मीडियम दुकान हो, चाहे हाई क्लास दुकान हो, बड़े बड़े पार्लर समझो। और अजमेर ज़िले की बात की जाए तो कम से कम 11 से 12 हज़ार सैलून है। उनकी स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि बताने लायक कोई मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा मानना यह है कि आज छोटे दुकानदार है, जो कम से कम वर्कर है 10,000 रुपये महीने तो कम से कम उसको चाहिए। और बड़ी जो बड़े बड़े पार्लर हैं उनका किराया आज मानो 40 से 50 हज़ार 1 लाख तक उनका दुकान का किराया है। उनके बिजली बिल, सैलून पर रहने वाले वर्कर, उनके स्टाफ, उनको देने तक के पैसे नहीं है। ये स्थिति हो चुकी है कि कम से कम आज के तारीख में 1 करोड़ के आसपास का अनुमानित घाटा हो चुका है। मैं परफेक्शन सैलून पर काम करता हूँ शास्त्री नगर में, और ये कोरोना की महामारी के चलते हम बहुत परेशान हैं। इससे बहुत आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है हमारी। कितने दिन से आप घर बैठे हैं? 2 महीने हो गए लमसम। किस तरह की आर्थिक स्थिति अब खराब हुई है आप लोग? खाने पीने की हर एक चीज़ से।